कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार पर केंद्र सरकार ही नहीं महाराष्ट्र सरकार भी लगातार एक्शन में है। तरह तरह के जतन नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो भी पूरे धूमधाम से। पुलिसकर्मी के इस जन्मदिन समारोह को खास बनाने के लिए डीजे के साथ साथ जश्न मनाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। लेकिन इस भव्य समारोह में अगर कुछ कमी है तो वो कमी है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। मालाएं पहनाई जा रही हैं, दुआएं दी जा रही हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है। नहीं है तो चेहरे पर मास्क, नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग, नहीं है तो कानून का पालन करने वाले पुलिसकर्मी को खुद कानून का डर कि आखिर सरकार के क्या आदेश हैं, सरकार की क्या लोगों से अपील है, सरकार की कोरोना को लेकर क्या योजना है। बस हो रही है तो सिर्फ मौज। इस वायरल वीडियो के बारे में आपको और बताएं उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। क्या कहे, मास्क तो पहनना चाहिए। जो तीन बातें हैं, वैक्सीन आएगी, जरूर आएगी, लेकिन वैक्सीन लेने के बावजूद बाद भी मास्क तो पहनना ही होगा। आने वाले कुछ महीनों तक शायद ये सिलसिला जारी रहेगा और हमें तो थोड़ी सी एक जरा खबरदारी मन तो तक घयावी लगे। सुना आपने कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। अब जरा सोचिए कि कानून के रखवाले खुद इस तरह की हरकत अगर करेंगे तो क्या होगा सोशल डिस्टेंसिंग का और क्या होगा उन लोगों का जिनकी जिम्मेदारी ऐसे पुलिस कर्मियों पर है। हाँ, सड़क पर बिना मास्क के कोई मिलेगा तो चालान जरूर काटेंगे, लेकिन खुद के समारोह में सब माफ है। वायरल हो रहा वीडियो बेलापुर के पालकी मैदान का है जहाँ बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस घटना के बाद वीडियो वायरल होने पर सोलापुर के पुलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और पुलिसकर्मी के साथ 20 से 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना को लेकर सरकार सख्त है। सरकार की कोशिश है कि मामलों में कमी आए और लोग कम से कम संक्रमित हों, पर जब तक आदेशों की ऐसी धज्जियां उड़ती रहेंगी तब तक लोग संक्रमित होने से भला कैसे बच पाएंगे।